नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारती स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर लेकर हाजिर है पशु संपदा का वीडियो नंबर 3। और आज हम पशु संपदा जो कि एक बहुत ही रोचक ट्रिक से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पिछली कड़ी के अंदर जाना था कि गाय और बकरी के बारे में, कि एक तो गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है और गाय, उन दोनों को हमने ट्रिक से पढ़ा था। और आज हम जो ट्रिक लेके आए हैं वो ट्रिक लेके आए हैं भैंस के बारे में, वो ट्रिक लेके आए हम आज घोड़ा के बारे में, वो ट्रिक लेके आए हम आज भेड़ के बारे में। तो आज हम पशु संपदा में जो और पशु बच रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम भैंस के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा मोटिवेशन हमें और ज्यादा वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप अपना काम कीजिए, अंगूठे को लाइए और सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पशु संपदा में हमारा आज का टॉपिक है भैंस। देखिए, छोटा सा इसका ट्रिक है, मुन्ना सुर में बजा। ये किसी लड़के का नाम है मुन्ना। सुर में बजा, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को मुन्ना कहते हैं, वो कोई बजा रहा है कोई चीज को, ठीक है। तो हम उससे कह रहे हैं कि मुन्ना सुर में बजा, ठीक है। सबसे पहला अक्षर आपके आ रहा है यहां पर मु, तो मुंह से जो नाम बन रहा है वो मुंह से बन रहा है मुर्रा। एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि मुर्रा नस्ल है गाय की, बकरी की, भेड़ की, भैंस की, तो राइट आंसर होगा मुर्रा जो नस्ल है वो किसकी है, भैंस की है। फिर उसके बाद बात करते हैं नाम। देखो यहां पर डबल नाम मैंने लगाया है सिर्फ इसको याद करने के लिए, यहां पर एक न का कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे ले सकते हो मुन्ना, ठीक है। ना का मतलब जो है दूसरा हमारा अक्षर है वो है ना, और ना का मतलब है नागपुरी। तो हमने दो नस्लें याद कर ली है भैंस की, पहली नस्ल मुर्रा और दूसरी नस्ल नागपुरी। तीसरी है सू, इसको बोलेंगे सुरती। कौन सा है? सुरती है, ठीक है। ये पूरा सुर से बना है, सुरती, ठीक है। उसके बाद में है मे, मुन्ना सुर में, तो मे से जो नाम बना है वो है मेहसाना। ये भी एक नस्ल है भैंस की, ठीक है। बै, बै से बना है बदावरी, और जा से बना है जाफरावादी। बै से बना है बदावरी, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जैसे बना है जाफरावादी। तो मेहसाणा और जाफरावादी। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भैंस के बारे में जानकारी प्राप्त की कौन कौन सी नस्लें हैं जो भैंस के बारे में अक्सर एग्जाम, चाहे आपका रीट का हो, पटवार का हो, ग्रेड थर्ड का हो, सेकंड का हो, फर्स्ट का हो, जिस भी सिलेबस में अगर पशुधन पशु संपदा टॉपिक है तो नस्लों से उठकर के सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है। आज का टाइम ऐसा है कि हमें सीधा वो पॉइंट चाहिए जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पढ़े तो कितना पढ़े और याद करने की हमारी जो कैपेसिटी है, आगे पढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं। तो आज का टाइम ट्रिक का है, तो ट्रिक की बात कर रहे हैं कि मुन्ना सुर में बजा, मुंह से मुर्रा, ना से नागपुरी, सुर से सुरती, मे से मेहसाणा, बै से बदावरी और जा से जाफरावादी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने भैंस के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक है
तो अब हम पढ़ेंगे भेड़ की नस्ल के बारे में। अभी हमने इससे पहले भैंस के बारे में पढ़ा, भैंस के बाद में है भेड़। भेड़ के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो भेड़ के बारे में क्या ट्रिक है तो देखो, मामा पूजे बाग में, नाचो शोक, मामा पूजे बाग में नाचो शोक। ये एक, अब मामा पूजे बाग में नाचो शोक, ठीक है, ये तो है हमारी ट्रिक। और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में हमको ऐसा मानना है कि आपस में लड़की जब लेडी से बात करते हैं तो एक दूसरे को मतलब है कि गाली भी होती है, प्यार से भी बोला जाता है शोक, ठीक है ना। तो आपस में कुछ महिलाएं हैं जो आपस में बात कर रही है कि मामा तो पूजा करने बाग में है और तुम शोक हो नाचो, मतलब तुम आपस में तब तक नाच लो जब तक मामा बाग में कोई पूजा पाठ कर रहा है, तब तक तुम सब मिलके नाचो। तो एक ट्रिक है कि मामा पूजे बाग में नाचो शोक, किसको लेकर के है, भेड़ को लेकर के, ठीक है। अब ये मामा से क्या बनती है, देखो सबसे पहले इसमें दो बार माँ आया है, तो माँ और माँ, पहले माँ से क्या बन रहा है और दूसरे माँ से क्या बन रहा है, तो देखो पहले माँ से बन रहा है मारवाड़ी, और दूसरे से बन रहा है मालपुरी। तो माँ माँ, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालपुरी। फिर आगे है पूजे, ठीक है, तो पूजे पूजे, ठीक है। तो पूजे जो है, इस पूजे के अंदर आपको पू को याद रखना है, जे का कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है। कई लोग सोचे सर इस जे को तो ये सेंटेंस बनाने के लिए जे लगाए गए, तो यहां पर जे को न लिख करके हम हटा देंगे कि जे का यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो पू जो है, पू से क्या बना है, पूंगल। तो हमने याद किया मामा पूजे, ठीक है, बाग। अब बाग से जो है, तो बाग से बना है, बाग पूरा एक साथ में लिया है और बाग से बना है बागड़ी। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पूंगल को और बागड़ी को। बागड़ी नस्ल है, तो बागड़ी नस्ल किसकी है, बागड़ी नस्ल भेड़ की है। आरपीएससी का तो लाडला क्वेश्चन है कि बागड़ी नस्ल है, तो बागड़ी नस्ल किसकी है, भेड़ की है, बाग में, ठीक है, ठीक है। अब बाग की बात कर रहे हैं, बाग में, तो यहां पर में से क्या है, में सेंटेंस बनाने के दिए गए, में से है मगरा, एक्चुअल में तो ये मैं है, बाग में, तो मैं से है मगरा, मैं से क्या है मगरा। तो मामा पूजे बाग में नाचो। अब नाचो जो है, तो ना से बन गया नाली, ना से क्या बन गया, नाली। और चो से जो है, चो से बन गया चोगला। नाली और चोकला के भी कई बार पूछा गया है कि नाली और चोकला नस्ल है। ये कई बार ऐसे करते हैं कि तीन नाम दे देते हैं, बागड़ी, नाली और चोकला, और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागड़ी, नाली, चोकला नस्ल है भेड़ की, बकरी की, भैंस की या गाय की। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि बागड़ी, मामा पूजे बाग में, तो बाग से बागड़ी, मैं से मगरा, ना से नाली और चो से चोकला। अब हमारे पास बच गया शोक, तो शोक से क्या है, तो शोक से है, सो से है सोनाड़ी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ऐसी नस्ल है जिसके अंदर सो नाड़ियां होती हैं, जैसे हमारे हाथ में होती है ना नाड़ियां, तो ऐसे याद रखो कि शोक मतलब इसमें सो नाड़ियां होती है इसके एक तरह से, ठीक है। और खैसे, खैसे मतलब है खरी, खैसे क्या है, खरी। जैसे बोलते हैं ना कि सोना खरा सोना है, तो ये मानो
कि ये जो नस्ल है ये एकदम खरी नस्ल है, अच्छी नस्ल है। ठीक है, तो कैसे खरी, तो हमने भेड़ के बारे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रकार की नस्लों को एक सेंटेंस के माध्यम से सीखा कि मामा पूजे बाग में नाचो शोक। तो माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, पू से पोंगल, बाघ से बागड़ी, मैं से मगरा, ना से नाली, चौ से चोगला, सो से सोनाड़ी और ख से खरी। तो ये हमने अब दो भैंस और भेड़ के बारे में पढ़ा। अब भेड़ के बारे में हमने ये नस्लें पढ़ी, ये सारे की सारी देसी नस्लें हैं। अब भेड़ के बारे में कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, उनकी भी एक छोटी सी ट्रिक है और उन छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम जो है आगे पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी वो है नस्लें हैं। कोरे डोरे से रूसी, देखो कोरे डोरे से रूसी। अब आप इसको ये मान सकते हो कि कोई लड़की है जो किसी दूसरी लड़की के, या मान लो किसी के अपने फ्रेंड के कोई डोरा बांध रही है, कोई फ्रेंड से बैंड बांध रही है। ठीक है, अब वो क्या है कि ओनली कोरा डोरा लेके आ गई, कोरा डोरा लेके आई तो उसकी जो सहेली थी वो से रूस गई। तो इसको याद करना है कोरे डोरे से रूसी। अब कोरे डोरे से रूसी जो है तो बात करेंगे कोरे, तो यहां पर कोरे का है सबसे पहले को का है कॉरिडोर, रे का है रेनबुल, डो का है डॉर्सेट। ठीक है, ये डोरे डोरे पूरा है डॉर्सेट। ठीक है, कॉरिडोरे से रूसी, ये जो से है इससे यहां पर कनेक्टर के रूप में है, इससे यहां पर कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, रूसी जो है रूसी है तो इसको रूसी नस्ल है, रूसी मेरिनो भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो रूसी मेरिनो या मेरिनो अकेला भी पूछ लिया जाता है, तो रूसी मेरिनो, रूसी मेरिनो अकेला रूसी भी कह सकते हैं और मेरिनो भी अकेला पूछा जा सकता है, या रूसी मेरिनो दोनों नाम भी साथ में आ सकते हैं। तो ये भेड़ की विदेशी नस्ल है। ये कैसी नस्लें हैं? विदेशी नस्लें हैं। हमने बात की भेड़ के बारे में और भेड़ के बारे में देसी और विदेशी दोनों नस्लों से क्वेश्चन पुटअप होता है। विदेशी नस्लों में से ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो मेरिनो से होता है। मेरिनो नस्ल है या उत्तम क्वालिटी की जो ऊन प्राप्त की जाती है तो वो किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? तो उत्तम क्वालिटी की भेड़ की जो नस्ल है वो है मेरिनो। ठीक है, और कॉरिडोर और डॉर्सेट है इससे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन मेरिनो को सबसे ज्यादा बार अब तक पूछा गया है, रेनबुल भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो भेड़ की देसी और विदेशी नस्लें और भैंस की जो नस्लें थी उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम बात कर रहे हैं घोड़े की नस्ल के बारे में। ठीक है, तो घोड़े की जो नस्ल है वो छोटी सी ट्रिक है। अब हम घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, घोड़े की नस्ल के बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये नस्ल है तो घोड़े की नस्ल के बारे में बात कर ले, छोटा सा है। ठीक है, तो देखो घोड़ा आपने अब तक एक छोटा सा गाना सुना होगा, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। ठीक है, यहां पर तो घोड़ा किसका है? यहां पर लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा नहीं है, यहां पर है मामा का घोड़ा। घोड़ा किसका है? मामा का घोड़ा, याद रहेगा आपको। यहां पर घोड़ा तो ये घोड़ा है। ठीक है, इसका तो कोई सेंटेंस मतलब कोई ट्रिक में शामिल नहीं है, केवल एक सेंटेंस बनाने में इसको जोड़ा गया है। मामा यहां पर भी डबल मा है। ठीक है, मा से क्या है? तो इस मा से है मालानी। और एग्जाम में अब तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि मालानी नस्ल जानी जाती है,
घोड़े के लिए, ऊंट के लिए, कुत्ते के लिए या बंदर के लिए। तो मालाड़ी जो नस्ल है और मालाड़ी नस्ल घोड़े की है। दूसरा माँ है तो दूसरे माँ का जो है, पहला माँ मतलब मालाड़ी और दूसरा माँ जो है वो है मारवाड़ी। दूसरा माँ कौन सा है? मारवाड़ी। और जो का है, काका मीन्स है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी घोड़े भी फेमस है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस घोड़ा से कोई नस्ल नहीं बनती। घोड़े की तीन नस्ल है, मालाड़ी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। तो हमने बात की भैंस के बारे में, उसके बाद बात की भेड़ के बारे में और उसके बाद में बात की घोड़े के बारे में। अब कुछ एक दो लाइनें, कुछ एक दो तथ्य और भी हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसे कुक्कुट पालन, इसे हम कहते हैं मुर्गी पालन। तो भारत जो है वो दुनिया के, विश्व के तीन शीर्ष देशों में, भारत जो है विश्व के तीन शीर्ष देशों में, ठीक है, अंडा उत्पादन में। मुर्गी से क्या प्राप्त होता है? अंडा। मुर्गी क्यों पालते हैं? अंडे के लिए और मांस के लिए पालते हैं, ठीक है। तो भारत विश्व के तीन शीर्ष देशों में अंडा उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं। और मुर्गी का जो मांस है, मुर्गी का जो मांस है, इस मुर्गी के मांस को सफेद मांस भी कहते हैं। मुर्गी के मांस जो है, मुर्गी के मांस को सफेद मांस भी कहते हैं, ठीक है। मुर्गी जो है, इस मुर्गी में जो बीमारी आती है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पुटअप किया गया है मुर्गी के बारे में, ठीक है। तो वो बीमारी का नाम कौन सा है? तो ये बीमारी है रानीखेत। एग्जाम का बहुत लाडला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेबल से लेकर के आरएस तक में पूछ जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि रानीखेत बीमारी का संबंध है। तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गी से। या फिर मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो मुर्गियों में जो पाई जाने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? रानीखेत। क्लियर। और इसका क्वेश्चन, ये मान के चलो कि आप कोई भी छोटे छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक के अंदर इसको क्वेश्चन को पुटअप किया गया, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पशु संपदा के अंदर ट्रिक के द्वारा बिंदुओं को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस आपसे एक सहयोग मांगता हूं, तो इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना न भूलिएगा। जय श्री राम, जय भारत।